शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशनल फॉर स्किल चैनल पे। आइए हम पुनः जुड़ते हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिदर्शिका को लेकर। आज हम संस्कृत दिदर्शिका में एक नए शीर्षक की बात करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ जो अपनी ही आत्मा को, जो अपने ही विषय में अपने आप को ही जानता हो, एवं सर्वज्ञ वह सब कुछ जानता है, जैसा कि इस प्रकरण में बताया जा रहा है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि संपूर्ण संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के साथी है, वे अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। यहाँ परोपकार तथा परमार्थ का सर्वथा अभाव है। सभी संबंध स्वार्थों की पूर्ति के लिए बने हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से स्वार्थ का उल्लेख है। याज्ञवल्क्यो मैत्री उचाओ मैत्री, याज्ञवल्क्य मैत्री उचाओ मैत्री। आइए हम देखते हैं शब्दार्थ। मैत्री उचाओ मतलब मैत्री बोली, याज्ञवल्क मैत्री बोले, मैत्री मैत्री से हे मैत्री, उदैश्यानम अहम अस्मात् अस्थानादस्मि, उदैश्यानम मतलब ऊपर जा रहा हूँ, अस्थानादस्मि मतलब इस स्थान से, अस्मात् मतलब गृहस्थाश्रम से, ततस्तेऽन्यान् कात्यान्यान् विच्छेदम कर्माणि इति। विच्छेदम मतलब बंटवारा, मैत्री उचा मैत्री बोली, इदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, सर्व सभी वित्तेन मीन्स धन, पूर्ण में से भरा हो। तब कह रहा है कि तेनाम अमृताम श्यामिति, तेनाम अमृताम स्वामित, क्या उसे अमरता की मैं अमर हो जाऊंगी। यज्ञवल्क्य की उचाओ नेत, नेत में से नहीं। आइए देखते हैं अनुवाद। याज्ञवल्क्यो मैत्री मुचाओ मैत्री, याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, हे मैत्री, उदयाशिन अहम अस्मात् अस्थानादस्मि, मैं अब इस स्थान से, इस गृहस्थाश्रम से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो आओ ततस्थो न्या कात्यान्यान विच्छेदम करवाणी, आओ तुम्हारे कात्यानी से बंटवारा कर दें। मैत्री उचा मैत्री बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनहानामृतं श्यामिति, याज्ञवल्क्य उचाओ मैत्री करिग मैत्री, मैत्री उचा मैत्री बोल रही कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उचा, याज्ञवल्क्य बोले, नेत नहीं, यथैपो करवर्ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यथैव पकरवत्ताम करा कि जैसे साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति, इससे धन से अमरता की आशा नहीं की जैसी है, धन से अमरता का आशा भी नहीं है, धन से अमरता की आशा नहीं है। शा मैत्री उचा, वो मैत्री बोली, एनाम अनामृतम स्यात् किम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होती नहीं होंगी, उस धन का मैं क्या करूं, जिससे अमरता की आशा नहीं उस धन का मैं क्या करूं। यदि यम भवान केवल ममृताम तत्व साधनम जानाम तदेव ते ब्रूही, करके एनाम नमृताम स्यात् किम तेन कुर्याम, मतलब जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उससे मैं क्या करूं, उस धन का मैं क्या करूं। अतः आप क्या करिए कि यदेव भवानम केवलम अमृतत्व साधनम जानान तदेव में ब्रूहि, कि अतः आप
जो अमरता का केवल साधन जानते हैं वही या उसी को मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सतिम तुम प्रिय भासते, तुम मेरी प्रिया हो और तुम ऐसी प्रिय बातें कह रही हो, यही उपविश आओ बैठो। व्याख्या श्याम ते अमृत तत्व साधनम, और तुम्हारे लिए मैं अमृत साधन की व्याख्या करूंगा, अमृत के साधन की व्याख्या करूंगा। तो देखिए किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य पूछाओ, नवारे मैत्री, अरे मैत्री, पत्यु काम्या पति प्रियोभवत, पति के कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै काम्या पति प्रियोभवत, अपनी कामना की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। नवारे मैत्री, जायजा काम्या जाया प्रिय भवत, और पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै काम्या जाया प्रिया भवत, अपनी कामना के पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नवारे पुत्रस्य वित्तस्य च काम्या पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवत, और नहीं पुत्र अथवा धन की कामना के लिए प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै काम्या पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवत, अपनी कामना के पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। नवारे सर्वस्य काम्या सर्वं प्रियं भवत, आत्मनस्तु वै काम्या सर्वं प्रियं भवत, और नहीं सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वारे मैत्री दृष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासी तब्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्व विच्छित्तम विदितं भवत, विदितं मीन्स जानना। तस्मात् आत्मा रे मैत्री, इसलिए हे मैत्री, आत्मा दर्शनेन दृष्टव्य में देखने, इसलिए आत्मा ही देखने योग्य, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, मनन करने हेतु, और निषिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य, मतलब निश्चय ही ध्यान करने योग्य। निश्चय ही आत्मदर्शन से क्या होता है, आत्मखलु दर्शन, निश्चय ही आत्मदर्शन से इदं सर्वं विदितं भवत, सब कुछ ज्ञात होता है। इस प्रकार तभी कह रहा है कि आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, जो अपनी आत्मा को जो स्वयं को जानता है वह सब कुछ जानता है। इस प्रकार से रहा, तो आप इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।